एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ चुके हम लोग भाई कला जू, जो रानी बाग के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है और नए नए एनिमल्स इसमें डाले गए हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पे ये गेट है, यहाँ पे जी वीर माता जी जब है भोसले उद्यान एंड जू। तो यहाँ देख सकते हो ये फ्रंट गेट है और बहुत इसके आगे भी गेट है शायद, और उसके वो साइड भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड गेट है। ये मेन गेट है। अगर आप प्राइवेट कार से या किसी बाइक से अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पार्किंग आपको सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा, जो फोर व्हीलर का 20 रुपीज़ है और टू व्हीलर्स का 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पे इस तरह का व्यू, टिकट काउंटर इधर, पूरा शेयर कर रहे हैं आप पूरा घूमिए। म्यूजियम ही है इधर, म्यूजियम का टिकट आपको अलग से लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको अगर प्राइस नहीं पता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इधर से ये पॉइंट है पूरा, सब सेल्फी लेते हैं सारे बच्चे, तो देख सकते हो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो इधर बच्चे लोग हाई कर रहे हैं और अभी ये एग्जिट है और वो एंटर है। तो गाइस आप यहाँ से आएंगे सीधा तो एंट्री है, सामने गेट लगा हुआ है। तो यहाँ से आप आएंगे तो सीधा सीधा आप इधर बहुत सारे इधर साइड है, आप हर पॉइंट पे हर एक एक एनिमल्स हैं। यहाँ देख सकते हो आप कछुए लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सारे कछुए यहाँ पे हैं, सबके लिए खाना रखा गया है। और यहाँ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, कौन से क्या जात प्रजाति के जो भी है। ये पानी में कछुए हैं, देख सकते हो कितने। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे थोड़ा स्टाइल डिज़ाइन करने के लिए दे दिया गया यहाँ पे दीवार पे। और गाइस यहाँ देखते क्या है, प्लास्टिक का तो नहीं है भाई, क्या है भाई यहाँ पे स्नैक है। अच्छा ये यहाँ पे स्नैक है, डेड बॉडी लग रहा है। ये देखो भाई कितना मतलब दीवार पे चिपका हुआ है पूरा। अबे मर गया है वे। हाँ ये मरेला है। यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्नैक पॉइंट का, यहाँ पे कितने प्रकार के स्नैक है। और यहाँ ऊपर दिया गया है थोड़ा स्टाइल में, बाहर साइड निकाल के दीवार पे ऐसे देख सकते हो अंदर साइड। बहुत काफी बड़ा है ये है एक्वा बर्ड्स, अभी अंदर जाके देखते हैं। यहाँ से एंट्री, बहुत ही मस्त दिख रहा है। अंदर साइड आ गए हैं और ये देख सकते हैं आप बर्ड्स के लिए कितना सेफ्टी लगा कर यहाँ ऊपर रखा गया है, जाली वगैरह, कि बर्ड्स अगर चाहे भी तो बाहर ना जा सके। और इधर काफी बर्ड हैं अंदर साइड। तो इधर बर्ड्स पैराडाइज है, और अभी अंदर एंट्री है इधर से, अभी अंदर जाके देखते हैं आपको दिखाते भी। काफ़ी पहले से बहुत अच्छा बना दिया गया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले आया था और अभी इस टाइम बहुत अच्छा बन गया है। देखते हैं अंदर और देख सकते हो पहले ही बर्ड है। और ये बर्ड्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है।
इधर भी बर्ड्स हैं। इन्फॉर्मेशन के बारे में और यहाँ पे एलिफेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये क्या बेटा वो, और बहुत ही पास में यहाँ एलिफेंट दिख रहा है और बहुत ही बड़ा, इतने बड़े ग्राउंड में एक हाथी। ये लियोपार्ड, ये अंदर चलते हैं, इधर कुछ है लग रहा है मुझे। बहुत ही अंदर साइड है तो यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं आप। देखो भाई हेल्प हेल्प, देख सकते हो चीता है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया है। और यहाँ देख सकते हो कितनी काफी भीड़ है, इतने लोग चीता लोग को देख रहे हैं, काफी भीड़ है इधर पे। और ये बहुत ही अच्छा इधर से व्यू दिखता है क्योंकि ये पेड़ लगे हुए हैं नारियल के। फूड्स वगैरह और वाटर नहीं लेकर आ सकते अंदर, और यहाँ पे कैंटीन दिया हुआ है, आप यहीं भी कुछ खाइए पिए जो आपको यहाँ पे लेना हो आप यहाँ लेके, वाटर सब चीज़ आपको मिल जाएगा, कैंटीन दिया हुआ पूरा यहाँ पे। आते हैं, थोड़ा घायल लग रहा है। जानवर रखे गए जो जानवर से रिटायर हो, सुनना, जो जंगल से रिटायर हो गए यहाँ पे डाल दिए, लग तो ऐसे ही रहा है। रानी बाग का निर्माण वीर माता जीजाबाई भोसले ने किया था गाइस, बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, इतने अच्छे अच्छे भी कर दिए गए हैं। क्योंकि बहुत, मैं कुछ 5 से 10 साल पहले आया था तो इतना खास कुछ था नहीं, बट अभी इतना मस्त बना दिया गया है ना कि अगर आप आओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आपको, तो आप यहाँ आइए। और बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स यहाँ पे डाले गए हैं, और अभी कुछ कुछ काम यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी कुछ जानवर यहाँ और डालेंगे, बाकी अभी अच्छे खासे जानवर डाल दिए गए हैं यहाँ पे। बाकी आप वीडियो में देखते रहिए कितने अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं। बहुत सारे यहाँ पे हिरन हैं, देख सकते हो झुंड में है पूरे, काफी बड़ा इनका घर है। बारहसिंगा मिल जाएगा बट इधर एक ही मेरे को दिख रहा है, स्ट्रक्चर इसका लगा हुआ है, एक आपको दिखा दो यहाँ पे बैठा हुआ है, एक ही है यहाँ पे। फाइनली भालू मिल गया, अभी डांस नहीं कर रहा है, अभी इसको भूख लगी है इसलिए खाना खा रहा है। तो अभी भाई साहब भोजन में व्यस्त हैं, इतना बड़ा घर है यार, अकेले रह रहे, बहुत आराम से यहाँ पे रहता होगा फिर फिलहाल, क्योंकि इतना बड़ा घर है यार, अकेले है, फैमिली तो है नहीं यहाँ पे, तो एकदम आराम से धूम मचा के रहता होगा यहाँ पे। धूम मचा ली हम लोग, बट टाइगर भी इसका नींद नहीं पूरा हुआ यार, बरसों से सो रहा है, मेरे को लग रहा है बरसों से, पता नहीं वो सो रहा है कि टपक गया काम खत्म सीधे, बट ठीक है यार, शॉट लेना था मेरे को उसका, अभी तक नहीं उठा यार, अभी तक नहीं उठा, मर गया लग रहा है मेरे को। है सेल्फी पॉइंट, तो देख ही सकते हो आप लोग कितने लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, और यहाँ बंदर के स्टैचू है, बाकी बंदर तो पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो, बंदर बस यही है जो बंदर आप देख रहे हो यही है,
और मुझे नहीं लगता यहाँ पे मगरमच्छ भी। आप यहाँ देख रहे हो खाली यही में स्टैचू में है, बाकी ओरिजिनल में कहीं यहाँ पे नहीं है। एनिमल्स अभी और बोल रहे हैं शायद कि अभी और आएंगे, तो अभी तो फिलहाल वही है जो एनिमल्स अभी यहाँ आप लोग देखेंगे वीडियोस में। और इधर पे मोटू है, अभी भालू डांस कर रहा है, भालू डांस कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हो बिना पैसा लिए हुए डांस कर रहा है यहाँ पे, कोई पैसा नहीं, फ्री। फाइनली टाइगर आ गया, भीड़ देख सकते हो यार, भीड़ कितनी भीड़ है। टाइगर को आए और ये अभी अंदर गया भाई, गिराया गिराया एक बार अभी लग रहा सोने जा रहे ट्राइगर आया। तो आप देख सकते हो कितना एकदम पब्लिक यहाँ भरी पड़ी हुई, पूरा फुल है ये। और अभी वो बहुत राउंड मार रहे थे उधर, तो बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा है जो टाइगर को देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। देख सकते हो यार कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो वीडियो के साथ बने रहे यार, एक नंबर चीज आपको दिखाया हूँ, टाइगर आ रहा है अभी भाई। ओ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई को, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक लिए बाय।